एक आर्थिक सहायता अगर SC ST की हत्या होती है तो 8.25 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, 50% पहले मिलता है, खैर वो मिल गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो उड़ीसा में लागू नहीं हो रहा है और वो है, अगर कोई SC या ST का मारा जाता है, घर का कमाऊ है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 5,000 रुपया पेंशन, अगर बच्चे हैं तो उनको ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, घर नहीं है तो घर, और घटना से 3 महीने तक का बुरा खर्च मिलता है। आज मैंने मालूम किया तो पता चला ये सेंट्रल एक्ट है जो मोदी गवर्नमेंट में 1/16 को लागू किया था, और जून 2016 से ये जितने भी इस केस नहीं जितने भी इस टाइप के केसेज हैं, वो बच्चा अकेला था जो अपनी माँ को पाल रहा था, अपनी एक अनमैरिड बहन को पाल रहा था, तो उसकी माँ को पेंशन 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्ट एंड रूल। लेकिन हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ की BJD सरकार ने सेंट्रल रूल 16 का है और आज 23 से 7 बरस हो गया इसको लागू नहीं किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार दलित और आदिवासी विरोधी है, यह BJD सरकार।